सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश नहीं विदेशों में भी काफी मशहूर है। धीरेन्द्र शास्त्री को बालाजी का भक्त माना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उपाय बताते हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर खबरें सामने आई हैं कि कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए हैं। खबरों के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री अगले 5 दिन तक एकांतवास में रहेंगे। इस खबर के बाद अब लोगों के मन में ये सवाल उठा है कि आखिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एकांतवास में क्यों चले गए। तो आइए जानते हैं बाबा के एकांतवास में जाने का आखिर कारण क्या है। बताया जा रहा है कि हाल ही में रिलीज हुई द केरल स्टोरी के बाद उठे कई सवालों ने धीरेन्द्र शास्त्री के मन को बेचैन किया कि उन्हें एकांतवास में जाने का फैसला किया। बताया गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन दुनिया से दूर अकेले में सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। वो चाहते हैं कि उनकी ये किताब देश के सभी स्कूलों में पहुंचे, इससे बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मंदसौर में खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह ऐलान किया था कि वो एकांतवास के दौरान सनातन पर किताब लिखेंगे। इस एकांतवास में बाबा बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो बड़े मिशन पर निकलने वाले हैं। मिशन साउथ के बाद मिशन नॉर्थ शुरू होने वाला है, लेकिन उससे भी पहले इसी महीने जून में भोपाल और राजगढ़ में बाबा कथा करेंगे। बागेश्वर धाम के ट्विटर पर लिखा गया है कि शहर की कोलाहल से दूर एकांतवास पूज्य सरकार अभी 20 जून तक एकांतवास में है। भोपाल की कथा संपन्न होने के बाद दिनांक 24 जून को धाम पधारेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो धीरेन्द्र शास्त्री जुलाई की शुरुआत में दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में ही कथा करने वाले हैं। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री 4 जुलाई को अपना जन्मदिन भी मनाएंगे। गौरतलब है कि बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र को अपना मकसद साफ कर रहे हैं। इसके साथ ही इस पर सियासत करने वालों को खरी खोटी भी सुनाने में पीछे नहीं हटते हैं, जिसके वजह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहता है। यही वजह है कि दरबार में अब हिंदू ही नहीं मुसलमान भी भारी तादाद में शिरकत कर रहे हैं।